आइए सीखते हैं कि कैसे जूम ऐप पर सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट रखें, और वो भी तब तक जब तक हम चाहें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करते हैं, आपको राइट हैंड पे आपके सीधे हाथ पे एक ऑप्शन दिखेगा म्यूट ऑल। आपको इस म्यूट ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप म्यूट ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे एक मैसेज पाएंगे और एक बॉक्स पाएंगे। यदि इस बॉक्स में ब्लू टिक रहता है और आप यस कर देते हैं तो इससे सभी लोग म्यूट तो हो जाएंगे पर वो अपनी इच्छा से अनम्यूट कर सकते हैं। पर यदि आपने इस बॉक्स से ये ब्लू टिक हटा देते हैं और फिर यस करते हैं तो लोग अपने आप को म्यूट नहीं कर पाएंगे और आपके सारी पार्टिसिपेंट्स तब तक म्यूट रहेंगे जब तक आप चाहेंगे। दोस्तों, ये है प्रोसेस सभी लोगों को म्यूट रखने का। धन्यवाद। आइए सीखते हैं कि कैसे जूम ऐप पर सभी पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन शेयर करने से रोकें और साथ के साथ कैसे सभी को चैट करने से भी रोकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिक्योरिटी वाले टैब पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप टैब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जिस पर यहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो शेयर स्क्रीन कर सकते हैं। चैट पर टिक नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो चैट नहीं कर सकते हैं। रिनेम देमसेल्व्स, इसका मतलब है वह अपना नाम चेंज कर सकते हैं। पर आप चाहते हैं कि वो चैट भी ना कर पाए, स्क्रीन शेयर भी ना कर पाए, तो हमें इन दोनों ही ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें दोनों ही जगह से टिक मार्क को हटाना होगा। जब ये दोनों ही टिक मार्क यहाँ से हट जाएंगे तो आपका कोई भी पार्टिसिपेंट ना तो स्क्रीन शेयर कर पाएगा और ना ही चैट कर पाएगा। तो ये है तरीका स्क्रीन शेयर करने से रोकने का और पार्टिसिपेंट्स को आपस में चैट करने से रोकने का। धन्यवाद। आइए अब सीखते हैं कि कैसे जूम ऐप का लिंक यदि ज्यादा शेयर हो जाए तो कैसे सिर्फ लिमिटेड लोगों के साथ मीटिंग करें। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि हम सिक्योरिटी में जाएं और वेटिंग रूम को हम यहाँ पे टिक मार्क ऑन कर दें। वेटिंग रूम का फायदा जो होता है वो ये होता है कि कोई भी पार्टिसिपेंट तब तक ज्वाइन नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको पार्टिसिपेंट्स में जाकर आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको उसके नाम के साथ एक एडमिट का ऑप्शन आएगा। आप उसे एडमिट करेंगे तो ही वो आपकी मीटिंग में आ पाएगा। दूसरा, यदि आपको लगता है कि आपके सारे पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में आ चुके हैं और आप बाकी लोगों को बुलाना नहीं चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी में जाएं और सिक्योरिटी में जाके यहाँ लॉक मीटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही मीटिंग लॉक हो जाएगी, यहाँ पे टिक मार्क आपको दिख जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि अब इस मीटिंग के अंदर में कोई भी दूसरा पार्टिसिपेंट नहीं आ सकता है। यह मीटिंग लॉक हो जाएगी आपके उन पार्टिसिपेंट के साथ जिनको आपने एडमिट किया हुआ है। तो ये तरीका है कि आप कम लोगों के साथ और लिमिटेड लोगों के साथ कैसे मीटिंग करें जब आपका लिंक हर जगह शेयर हो जाता है तो भी। धन्यवाद। आइए सीखते हैं कि कैसे जूम मीटिंग में हम स्क्रीन शेयर करते वक्त कैसे लोगों को ड्राइंग करने से रोकें। उसके लिए आपको सबसे पहले, यदि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जैसा कि अब मैं भी एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, मैंने सबसे पहले एक स्क्रीन शेयर किया। अब मैं एक पीडीएफ है जो मैं सभी को दिखाना चाहता हूं, मैंने इस पीडीएफ को ऑन किया। अब ये पीडीएफ मेरा ऑन हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी आती है, चैलेंज तभी आता है
जब लोग इसके ऊपर ड्राइंग करने लग जाते हैं, तो उसे रोकने के लिए हमारे पास जो एक ऑप्शन है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा पूरा। हमें यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है एनोटेट ऑन शेयर्ड कंटेंट। तो आप यहाँ से यदि ये टिक मार्क हटा देंगे तो कोई भी पार्टिसिपेंट इस पे ड्राइंग नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं लिख पाएगा। तो यह वो तरीका है जिससे आप अपने शेयर स्क्रीन पे किसी को भी रोक सकते हैं ड्राइंग करने से। मैं अब इसे स्टॉप कर रहा हूँ। तो यह है एक प्रोसेस। धन्यवाद। आइए सीखते हैं कि कैसे स्क्रीन शेयर करके जूम ऐप पर लोगों को वीडियो के द्वारा ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको स्क्रीन शेयर पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन शेयर पर क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है शेयर कंप्यूटर साउंड। इस पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि हर वीडियो की कोई ना कोई आवाज़ होती है। आप इस पर क्लिक करके आप शेयर स्क्रीन करें। जैसा शेयर स्क्रीन हो चुका है तो मैं अब अपने कंप्यूटर में चेक करूँगा कि वो वीडियो कहाँ पर है। मैंने अपने डाउनलोड में जाके चेक किया, मेरे पास एक वीडियो है जिसे मैं प्ले करने जा रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है। आपने देखा कि मैंने वीडियो प्ले करा, इसकी आवाज लोगों तक पहुंच रही है। अब मैंने वीडियो प्ले कर दिया है, मैंने पॉज कर दिया है। अब मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वीडियो कैसे चलाते हैं मैंने आप लोग को दिखा दिया है और इसका साउंड भी लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये वो तरीका है जिससे आप स्क्रीन शेयर करते हुए लोगों को वीडियो दिखा सकते हैं। धन्यवाद।